नमस्कार, आप देख रहे हैं बोराइल न्यूज। पर सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक उमरांगसो जेवी हागजर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पालन किया गया लिटरेसी वीक। आज 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के मौके पर जेबी हागजर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लिटरेसी वीक को ख़त्म किया गया और उसी के साथ ही साथ आज उन्होंने एक शानदार रैली निकाला और मानसू मार्केट के बीचों बीच उन्होंने एक नाटक प्रदर्शन किया लिटरेसी के ऊपर। आइए दिखाते हैं उसी प्रोग्राम का कुछ दृश्य। रोशनी है उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। वो जो शिक्षा पा गया है वो ही आगे आ तुमको सदा आगे ही आगे है जाना, ये शपथ लो। काम कोई अच्छा है करके दिखाना, ये शपथ लो। दुनिया जो पाएंगे हम, कुछ न दिखाएंगे हम। पढ़ लेंगे जो काज करेंगे, सबके मन में राज करेंगे, राज करेंगे, राज करेंगे, समझो। जैसे कि आपने देखा, ये 26 अक्टूबर 1966 का दिन था जब यूनेस्को ने दुनिया भर में निरक्षरता की समस्या को दूर करने के लिए 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था। मुख्य उद्देश्य ने केवल निरक्षरता से लड़ना था, बल्कि इसे व्यक्तियों के साथ साथ पूरे समुदाय को साक्षर बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करना था। इस दिन का मुख्य उद्देश्य साक्षरता को बढ़ावा देना था। संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अनपढ़ वयस्कों की आबादी करीब 28.7 करोड़ है। ये दुनिया में अशिक्षित लोगों का कुल 37% है। आइए देखते हैं इसी विषय में जेबी हागजर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स का क्या कहना है। जी, यहाँ पे होना चाहिए। हम लोग मतलब ये लिटरेसी के ऊपर हम लोग का 1 वीक ऑब्जर्व किया जा रहा है 1 से 8 तक। तो हमने कोई कितने अनएजुकेटेड पीपल से बात किए थे कि हम लोग आप लोग को पढ़ाना चाहते हैं, आइए 1-2 दिन होने से भी हम लोग आपको आपका नाम लिखाने भी सिखा सकते हैं। तो वो लोग ने साफ मना कर दिया कि हम अभी पढ़ के क्या करेंगे। वो लोग बोल रहे थे कि हम छोटे से नहीं पढ़े तो अभी पढ़ के क्या करेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप चाहे बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, आप पढ़ो, पढ़ने से आप कुछ कर सकोगे। अगर आप सोचोगे कि आप अभी बूढ़े हो चुके हो, कुछ कर नहीं सकोगे, एटलीस्ट आप अपने नाम तो लिख सकोगे, जिसके कारण आपको बहुत मदद होगा। तो मैं बच्चों के माँ बाप से भी कहना चाहती हूँ कि बहुत लोग अपने बच्चे को कहाँ पे काम करने के लिए भेजते हैं, इससे अच्छा आप बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेजेस है, आप पढ़ा सकते हो, कुछ एफोर्ड करके पढ़ा सकते हो, ताकि उन लोग के भविष्य अच्छा हो, अच्छा बन सके, वो कुछ बन सके अपने भविष्य में जाके। यही कहना चाहती हूँ। तरह से वो एक हमारा जो इंस्ट्रक्शन आया गवर्नमेंट का तरफ से, अकॉर्डिंगली 1 तारीख से हम लोग शुरू करा है, आज समाप्त है। आज इन ट्रू सेंस इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, तो लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए 1 सप्ताह का कार्यक्रम हमारा इंस्टीट्यूशन में हमने करा है। उसमें डिस्कशन भी हुआ है, पोस्टर राइटिंग भी हुआ है, उसके बाद डोर टू डोर घर घर में जाके स्टूडेंट लोग बुजुर्ग या बच्चों को जितना हो सके पढ़ाई में लाने के लिए कोशिश किया है। ये सारा विभिन्न कार्यक्रम हमने रखा है और आज हमारा एक स्ट्रीट प्ले भी था, जिसमें हमने कोशिश करा है
कि कोई व्यक्ति अगर इलिटरेट होगा तो कितना दिक्कत हो सकता है कि एक बच्चा जो अच्छा से भविष्य में कोई भी एक अच्छा आदमी बन सकता है, तो सब हो रहे हैं इलिटरेसी के लिए। तो हमने यही प्रयास करा है, छोटा मोटा प्रयास करा है कि जितना हो सके हमारा जो लिटरेसी रेट उसको और भी आगे बढ़ा रहा है। धन्यवाद। आज हम लोग ड्रामा प्ले किया है लिटरेसी के ऊपर, क्योंकि आज हम लोग इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये 1966 में डिक्लेयर किया यूनेस्को ने और 1967 से ये ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। सो इस जो इसका मेन मोटिव है कि देश के हर कोने कोने में जितने लोग भी है उनको सबको शिक्षा मिलना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। अगर आजकल ये जमाना में एजुकेशन नहीं है तो सब कुछ नहीं है। जैसे हम लोग का पैसा है जरूरी है, उससे भी हम लोग एजुकेशन भी जरूरी है। अगर पैसा है तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, सो एजुकेशन है तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। जैसे बहुत देश को एक कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत मुश्किल होगा, अगर एजुकेशन होगा तो देश को डेवलप करने के लिए आगे बढ़ेगा। ये पूरा हफ्ता 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक जेबी हाजर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट विभिन्न विभिन्न गांव में जाकर अनपढ़ लोगों को शिक्षा प्रदान करने की कोशिश किया और उन्हें जितने हो सके थोड़ी बहुत शिक्षित किया। इसी तरह डिमा हसाओ के हर एक न्यूज़ को देखने के लिए आप देखते रहिए बोराइल न्यूज़, और बोराइल न्यूज़ को लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।